शहर के स्मार्ट सिटी के नाम पर कई पेड़ों को काटा जा रहा है। कुछ पेड़ दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, पर कुछ को यहाँ से उखाड़कर फेंक दिया गया है। इन पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन के अभाव में सारे देश में त्राही त्राही माम मचा हुआ है। आज के हालातों की बात करें तो कोरोना काल में जो लोग हरे भरे पेड़ों के बीच खुले वातावरण में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में कोविड संक्रमण से ज़्यादा वह सुरक्षित है। तो वहीं प्रकृति और पर्यावरण के बीच में देखिए विशेष रिपोर्ट। सागर के कई स्थानों पर सौंदर्यकरण के नाम पर पेड़ काटे गए। ऑक्सीजन की कमी के चलते दर दर भटकते पेशेंटों को देखा गया और आने वाली पीढ़ियां इतिहास बनकर साक्षी होंगी। कोरोना संक्रमण को लेकर यदि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो घनी बस्तियों में रहने वालों पर ज़्यादा असर पड़ता है, जबकि खुले वातावरण में रहने वालों पर संक्रमण का खतरा कम रहता है। इन सब के बाद में ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में सुनिश्चित करना एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कुछ मजबूरीवश आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वहीं एक छात्रा ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बात सुनकर सभी से पेड़ लगाने की अपील की है। इस प्रकृति ने हमें जरूरी सीख जरूर दी है, यदि इसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो घातक परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। अंकल, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं अपील करती हूँ। मैंने बहुत से पेड़ पौधे लगाए हैं, तो मैं अपील करती हूँ कि आप सभी पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन बनी रहे। आज भारतवर्ष में जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है अस्पतालों में, इसका क्या कारण लग रहा है आप लोग को? देखिए, हमने अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को शुरू से ही दोहन, अत्यधिक मात्रा में दोहन किया है, जो कि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन के हमारी प्राणवायु के लिए सबसे अच्छा उपाय ईश्वर ने हमें दिया था, लेकिन हम अपनी दैनिक आवश्यकता और पैसों के लालच में जंगलों को ही काटते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन तो चूँकि आज बनी है, हमारे पास शुद्ध हवा है नहीं है, ऑक्सीजन की वैसे भी बहुत कमी है पेड़ पौधों के ना होने से। और अगर हम नहीं माने तो ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण, एक संकेत दिया है ऊपर वाले ने कि देखिए अभी समझ जाए और हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आगे आने वाला समय निश्चित रूप से इससे भी भयावह होगा।